तो दोस्तों ये निहार का कोल्ड प्रेस है, ये है एल्टनडोर का पैनल सो, ये है जे काम पैनल सो, और ये है एल्टनडोर का पैनल सो ऑटोमेटिक गेज वाला, ये है एल्टनडोर का आइस बेंडिंग मशीन, ये है निहार का मल्टी बोर, ये है निहार का मल्टी बोरिंग ट्रिपल हेड। यहाँ पे है पैकिंग एरिया, ये पैकिंग होता है। ये दोस्तों एक्रेलिक का आइस बेंडिंग मशीन एक्रेलिक के लिए, ये है कोल्ड प्रेस। और ये रहा हमारी कंपनी का मिनी शटर ओपन है, तो मैं यहाँ से एंट्री मारता हूँ। देखिए दोस्तों मैं पीछे कर गया था, बहुत बारिश हो रहा है। और ये रहा पेंचिंग मशीन, यहाँ पे मैं पेंचिंग कर लेता हूँ दोस्तों। तो हो गया दोस्तों, यहाँ आगे चलते हैं। ये छतरी में बंद कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये ऊपर ऑफिस जाने का रास्ता है दोस्तों, और ये है इधर अंदर कंपनी में। तो सबसे पहले ये एक रैंक मिल जाएगा लेमिनेट का, यहाँ पे ये प्लाई रखा हुआ और लेमिनेट भी रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये प्रेस होता है, ये कोल्ड प्रेस है निहार का, यहाँ पे ये प्लाई रखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे ये बेकर, यहाँ पे प्रेस होता है दोस्तों प्लाई, ये देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पलाई रखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट गाले में चलते हैं। नेक्स्ट गाले में दोस्तों सबसे पहले राइट में मेरे को एक पैनल सो मिल जाएगा एल्टन ड्रॉप का, और लेफ्ट साइड मोबाइल घुमाएंगे तो ये मोल्डर मिल जाएगा, एक मोल्डर। और फिर राइट में जाएंगे तो एक ये जे का पैनल सो मिलेगा इधर, और यहाँ पे ये फाइनल कटिंग होता है दोस्तों, यहाँ पे फाइनल कटिंग होता है। ये भी एल्टनडोर का है, लेकिन ये ऑटोमेटिक गेज वाला है दोस्तों। देखिए ये ऊपर बटन दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फाइनल कटिंग होता है। और तीसरे गाले में चलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑर्डर कटे हुए पड़े हुए हैं। और तीसरे गाले में चलते हैं, तीसरे गाले में दोस्तों उधर पैकिंग होता है वो एरिया में, और यहाँ पे ये एल्टनडोर का हेज बेंडिंग है, ये देखिए दोस्तों। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये माल हेज बेंडिंग लगा हुआ पड़ा हुआ है, ये मल्टी बोरिंग भी किया हुआ है, ये रहा मल्टी बोरिंग निहार का ट्रिपल हेड का। और वहाँ कोने पर ग्लास शटर कटते हैं। और आगे चलते हैं, पैकिंग के एरिया में दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे कारपेट बिछा हुआ है दोस्तों, पूरे गाले में कारपेट बिछा हुआ है रेड कलर का। क्लीनिंग होता है, एक क्लीनिंग टेबल है, और यहाँ पे पैकिंग होता है। ये पैकिंग मशीन है पट्टी वाली, ये पट्टी लगाने का मशीन है दोस्तों। ये रहा पैकेट बन के पड़े हुए हैं, ये चीज लगाता है, ये पैकेट इतने बने पड़े हुए हैं। ये रहा हेज बेंडिंग का रोल रैंक, सब कलर के हैं दोस्तों। अभी चौथे गाले में चलते हैं, चौथे गाले में इधर थोड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है। और ये मल्टी बोरिंग है डबल हेड का जे का, जो यूज़ नहीं हो रहा है अभी। और ये यहाँ पे हैंडल पड़े हुए हैं सब, ये सब हैंडल है। वहाँ पे एक रेली कटिंग करके पड़ा हुआ है। और ये गाले में दोस्तों, ये गाले में एक रेली का काम होता है ओनली, और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक रेली वालों के लिए एक हेज बेंडिंग दिया हुआ है जे का, और एक प्रेसिंग दिया हुआ है जे का, ये रहा। और यहाँ पे कुछ हेज बेंडिंग लग के पड़े हुए हैं माल, ये देखिए, ये भी प्रेसिंग करने का है एक्रेलिक इस पर। तो दोस्तों वहाँ पे बफिंग मशीन है, वो शटर हम ओपन करेंगे बाद में। ये टॉयलेट है, वॉशरूम। तो दोस्तों ये है चार गाले, चार गाले हैं, चार गालों में अलग अलग सेटअप है। जैसे कि हमारा एक्रेली का काम है, तो ये गाले में एक्रेली का काम हो रहा है, और ये गाले में पैकिंग का काम, ये पैकिंग करा हुआ पड़ा हुआ है पैकेट। और वहाँ पे मल्टी बोरिंग, यहाँ पे एज बेंडिंग, कारपेट दोनों गाले में बिछा हुआ है, एक्रेली गाले में और इधर पैकिंग एरिया में। और यहाँ कटिंग एरिया पे कुछ नहीं लगाया हुआ है दोस्तों।
यहाँ पे कुछ नहीं है, तीन पैनल सो है। देखिए मॉडलर, यहाँ पे एक रैली रखा हुआ है, तो मैं वापस से जा रहा हूँ, वापस एक बार दिखा देता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।